मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे शुक्ला जी आप बताओ लेखपाल सिंह जिंदाबाद 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 लेखपाल सिंह जिंदाबाद 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 आवाज दो आवाज दो हजार जुलम के टक्कर पे हजार जुलम के टक्कर पे जी हमारे जनपद बहराइच में कुल कार्यरत लेखपालों की संख्या 283 है, जिसमें जो है वर्तमान में 21 लेखपाल हड़ताल पर नहीं हैं और जो 262 हैं उनके संबंध में हमने ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई की, निलंबन की कार्रवाई की और सेवा से पृथकीकरण की भी कार्रवाई सभी SDM लेवल पे हुई है। तो 209 लेखपालों की सेवा इन ब्रेक इन सर्विस कर दी गई है, 24 लेखपाल निलंबित हैं और 22 जो है सेवा से पृथक कर दी गई। ये 22 जो पृथक किए गए हैं ये बर्खास्त कर दिए गए हैं पूरे नौकरी से? जी। ये जो ब्रेक इन सर्विस है जी, ये क्या है? ये ब्रेक इन सर्विस है, जैसा कि आपको विदित है कि ESMA लागू है समय एसेंशियल उत्तर प्रदेश एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, तो उसके तहत जो है इनकी जो हड़ताल है 6 महीने के लिए निषिद्ध कर दी गई है और इन्हें तत्काल जो है कार्य पे वापस लौटने संबंधी बताया भी गया है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये वापस नहीं आए तो सबसे पहली कार्रवाई हमने इनको जो है नोटिस देते हुए ब्रेक इन सर्विस जो है इनकी पत्रावलियों में उसके संबंध में कार्रवाई SDM स्तर से कर दी गई। अभी भी कुछ लेखपाल धरना स्थल पर बैठे हुए हैं जी, अगर उनकी मतलब हड़ताल नहीं खत्म होती है तो क्या कुछ इसी लेवल की कार्रवाई उसमें भी हो सकती है? हाँ, मतलब जैसे जो अभी जैसे आपको मैंने बताया कि 24 लेखपाल निलंबित हैं तो उसमें और भी संख्या जो है बढ़ सकती है और सेवा पृथकीकरण अगर ये नहीं आते हैं और इनसे हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं तो इनका प्रयास किया जा रहा है इनको जो है जो इनको डाउट्स हैं जो भ्रम हैं कि क्या इनको जैसे आप अवगत हैं कि इनको गृह मंडल भी अलॉट किया गया है पिछले 2 सालों में प्रमोशन को रिलेटेड भी इनके जो पद हैं जो इनका जो पद नए सृजित किए जा रहे हैं उसके संबंध में भी RI के लेवल पे भी प्रस्ताव भेजा गया है इनके इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी इनके जैसे लैप आप जानते हैं लैपटॉप दिया गया है मोबाइल दिया गया है और कई सारी कार्रवाइयाँ जो हैं प्रचलित हैं तो वो अपने समय से वो भी कर ली जाएंगी। थैंक यू।